नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में जहां पर कहा जाता है कि राजा ने खुद अपनी रानी का सर काट दिया था। और इस किले से जुड़ी है एक रहस्यमय कहानी जहां पर कहते हैं कि एक ऐसा पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके इतिहास और इसमें घटित कुछ घटनाओं के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत में राजाओं का किला इतिहास बहुत पुराना होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। जहां एक तरफ ये किले भारत की शान बनते हैं, खूबसूरत नक्काशी के गवाह बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कहीं ना कहीं ये सिमटे हुए हैं, रहस्यों को भी पहचान करते हैं। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थित है, जिसके बारे में यूं तो कई प्रचलित कथाएं मौजूद है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है और जो खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। उस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में भोपाल में शासन कर रहे एक राजा ने खुद अपनी ही रानी का सर काट दिया था। जिस किले की हम बात चल रही है वो है रायसेन फोर्ट या रायसेन का किला। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत निर्माण है जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज है। रायसेन फोर्ट का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलाकर तोपे बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उन्होंने ये किला जीता था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरणमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद और रहस्यमय कहानी यह भी है कि कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया था। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशी हाथ लगती है। इसको लेकर यह भी कहानी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपके पारस पत्थर की तलाश में इस किले तक पहुंचते हैं। अगर आप भी इस रायसेन किले तक पहुंचना चाहते हैं और इसके आसपास की घूमने की जगह देखना चाहते हैं, तो हम बता दें कि जो भी पर्यटक रायसेन जिले में रायसेन किला घूमने जाने वाले हैं, रायसेन फोर्ट के आसपास भी घूमने के लिए कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मौजूद है, जिन्हें आप अपनी रायसेन किले की यात्रा के दौरान घूमने जा सकते हैं, जैसे कि सांची स्तूप, भीम बेटिका, भोजपुर मंदिर, बरना डैम, उदयगिरी गुफा, महादेव पानी वाटरफॉल्स। और अगर आप वहां पर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय की अगर बात करें, रायसेन किला घूमने के लिए सबसे आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तापमान अनुकूल होता है, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकता है। इसके बाद ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान बढ़ जाता है, हालांकि मानसून का मौसम भी यहां घूमने के लिए अनुकूल है। इस किले तक पहुंचने के लिए जो भी पर्यटक रायसेन किले कैसे जाएं पता करना चाहता है, तो हम बता दें कि किले तक आप फ्लाइट, ट्रेन और सड़क मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से ट्रेवल करके रायसेन फोर्ट घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है,
इस किले का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल का राजा भोज सिंह हवाई अड्डा है, जो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायसेन के लिए कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन इसके सबसे प्रमुख नजदीकी रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग या बस से ट्रेवल करके रायसेन किला पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि रायसेन अपने नजदीकी शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द वहां का वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें।